आज आप लोगों ने इस नशे के कारोबार को बंद नहीं कराया तो हो सकता है कि आगे चलकर आप सबके बच्चे भी इसी नशे की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दें। अगर आप इस आंदोलन को यही रास्ते में खत्म कर दोगे तो मेरी तरह और दूसरों के बापू साहब भी छीन जाएंगे। तू जल्दी से जा और रो तो छोरी ने। और देख गांव की सारी लुगाइयों ने इकट्ठा करके और सीना तान के ऐसे चले जैसे लंका की चढ़ाई करने जावे छो। नशा बेचना बंद करो। नशा बेचना बंद करो। बंद करो, बंद करो। नशा बेचना बंद करो। छोरी तू बहुत बोले, पहले अपनी उम्र देख फिर बात कर। भागो। अरे बार बार भागो भागो बोले तो हम भागने वाले नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, अपने ठेके के मालिक से जाके बोल दो कि ठेका बंद कराने के खिलाफ हम यहाँ पे धरना देने आए हैं और जब तक ठेका बंद नहीं हो जाता सुंदर, ये छोरी और ये लोग समझाने से नहीं जा तो मार मार के भगा। ये लातन के भूत हैं, लातन से नहीं मारेंगे, लठ पड़ेंगे तब अकल आवेगी। मेरी शकल के देख रहे हो मारो। चलो ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग, चल प्रधान जी को बताते हैं। चलो आप लोग अब शांति से बैठ जाइए, हम सब धरना देंगे। ये शपथ लेती हूँ कि जब तक ये ठेका हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाता तब तक मैं ना अन्न खाऊंगी ना जल पीऊंगी। भूखे प्यासे रहकर जब तक ये ठेका बंद नहीं हो जाता तब तक आवरण अनशन करती रहूंगी। मर जाऊंगी लेकिन ये ठेका हमेशा हमेशा के लिए बंद करके रहूंगी। What?
भैया क्या सच में हम प्रगति को रोकने जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? मैं भी वही सोच रहा था भैया। मेरे हिसाब से हमें प्रगति का साथ देना चाहिए, पर उसमें भी खतरा लग रहा है भैया। आपको पता है वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। पता है उस दिन मैं कितनी मुश्किल से बचा था भैया। करण तुम मेरे भाई हो और इतनी सी मुश्किल से घबरा गए तुम? नहीं भैया मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं तो उलो के बारे में आपको बता रहा था। और वैसे भी आप साथ है तो फिर डरना क्या है? सही कहा, तो ध्यान से सुनो। हाँ। हम वहाँ प्रगति को रोकने या फिर उसे वापस लाने नहीं जा रहे, हम वहाँ उसका साथ देने जा रहे। प्रगति ने बिल्कुल सही कदम उठाया करण, और हमें उसका साथ देना चाहिए। हाँ भैया सही कह रहे हो। हुकुम पानी सर से ऊपर हो गया, जल्दी से जल्दी कुछ ना किया तो सब कुछ डूब जाएगा। अरे क्यों भैया, अरे इतना परेशान क्यों लगे है तू? कौन सी आग लग गई है? ये छोरी प्रगति है ना, ये गांव वालों के साथ मिलके धरना दिए हुए। हुकुम बोले हैं डोडा अफीम बेचना बंद करो। अरे तारे को कितनी बार समझाया प्रधान, ये छोटी मोटी चीजें तो खुद ही संभाल लिया कर, मारे को परेशान मत किया कर। प्रधान मारे को ये नहीं पता था कि तारा जो दिल है इतना कमजोर है। दिखने में तो शेर लगे शेर, लेकिन दिल है चूहे जैसा। हुकुम ये छोटी मोटी बात ना है, ये छोरी प्रगति है ना, जे के साथ पूरा गांव खड़ा है। ये बोले कि इस अड्डे को हमेशा के लिए बंद करो। हुकुम मने तो कुछ समझ ना आ रहा है, जे आप ही बताओ मैं क्या करूं। जे हुकुम धंधा बंद हो जाएगा तो आप और हम दोनों तो बर्बाद ही हो जाएंगे। हुकुम यहाँ पूरा बवंडर मचे, ये मने तो कुछ समझ ही ना आ रहा, ये वास्ते आपकी मदद चाहूं। परेशान मत हो मत हो, बस अपने दिल को संभाल के रख। हाँ मौसम के बदलने का इंतजार कर प्रधान, जब हवा उल्टी चले ना अपने नाव को मोड़ लेना ही समझदारी हुए, आई बात समझ? हुकुम ये अगर शांति को पकड़ कर बैठे तो ये शांति कभी हमारे धंधे को ही ना उड़ा ले जावे। ये कुछ करना ही पड़ेगा, ये धरना सरना बंद कराना पड़ेगा। मन ने तो कुछ समझ ना रहा, आप भी कोई रास्ता बताओ। मन ने कहा ना हवा जब उल्टी चले है अपने नाव को मोड़ लेना ही समझदारी है, आई बात समझ के नहीं आई बता मारे को। हुकुम ये लोग अगर शांति की भाषा समझते तो इतना हल्ला ना मचाते। हुकुम मने लगे कोई दूसरा कदम ही उठाना पड़ेगा इन लोगों को यहाँ से खदेड़ने के लिए। देख प्रधान इस पूरे मसले को ना शांति से निपटा ले, रोटे का जो धंधा है ना जो अड्डे हैं कुछ दिनों के लिए बंद कर दे, ठीक है? सरपंच साहब सब किसान एक साथ आपको ये बताने आए हैं कि अब ये अन्याय आप पर नहीं सहेंगे। सरपंच जी ये बात छोटी नहीं है कि आजादी के इतने सालों बाद भी आप इन लोगों पर अपनी हुकूमत कर रहे हैं। आप अपने आप को राजा और इन लोगों को अपना गुलाम समझते और ये बात अखबार में आने के बाद आज ये बात पूरी दुनिया जानती है, आपकी असलियत पहचानती है। सरपंच जी गांव के लोग अपनी जिंदगी आजादी से जीने के लिए आपसे एक समझौता करने आए। इस मसौदे में किसानों की सारी शर्तें लिखी और इसमें किसानों की सहमति भी। जी सब क्यों हो रहा है? जी हुकुम धरने की बात समझ ना रहा है या समझने की कोशिश ही ना कर रहा है? मन ने तो कुछ समझना है, ये बड़े हुकुम तो किनारे हो लिए पर मन ने तो कूदना ही पड़ेगा। बंद करो, 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 ब
ऐसे क्या देख रहा हूँ मैंने? प्रगति, तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझे बताया भी नहीं। काका, क्या आपको भी दादी सा की तरह मेरा ये करना अच्छा नहीं लगा? क्या आपको भी लगता है कि मैंने ये काम गलत किया है? नहीं प्रगति, तुमने बिल्कुल ठीक किया। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि तुमने इतना बड़ा काम इतनी आसानी से और इतना जल्दी कैसे कर लिया, जिसे करने के लिए बड़े लोग तो कई दिनों तक सिर्फ सोचते ही रहते। काका, जब राघव काका जैसे मासूम लोगों की जाने जाती रहे और हमारे भाई उदय जैसे लोग अनाथ होते रहे, तो इसमें सोचने की बात तो मूर्खता होगी ना? आप ही बताइए। प्रगति, तुमने फिर से एक बार मुझे अपनी प्रतिभा से इंप्रेस कर दिया। मैं सलूट करता हूं तुम्हें। जी सब तो मैंने आपसे और हमारे टीचर जी जैसे लोगों से सीखा है। पर प्रगति, ये लोग राजी कैसे हो गए? ज्यादा कुछ नहीं काका, बस मैंने इन लोगों के मन का डर निकाल दिया और उसके बाद तो खुद अपने आप लोग हमारे साथ आ गए। और उन्हें ये भी तो पता है कि अगर सब लोग हमारे साथ आवेंगे तो ये ठेका बंद हो ही जाएगा। प्रगति, ये लोग तो इकट्ठा भी हो गए और धरना भी शुरू हो गए, पर क्या ये लोग इस धंधे को बंद करेंगे? काका, हमारी टीचर जी कहती है ना कि सच जानने से कुछ नहीं होता, बल्कि बिना डरे बहादुरी से उसका हमें सामना करना आना चाहिए। सत्य बोलना, उस पे अडिग रहना, ये अन्याय और दुष्टों के लिए काफी होता है। और हमारी टीचर जी ने ये भी बताया है कि सत्य ना एक दीपक की रोशनी की तरह होता है, जिसके चलने से आज नहीं तो कल अंधेरा मिटी जाता है। देखा करें कितनी बड़ी बात कह दी प्रगति ने इतनी आसानी से। इन ठेकेदारों को शायद सत्याग्रह की शक्ति का अंदाजा ना, और सत्याग्रह की इसी शक्ति से गांधी जी ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल दिया था। अब मुझे पूरा विश्वास है इस सत्याग्रह की गूंज पूरे देश में फैलेगी और आखिर में प्रगति और इस सत्याग्रह की जीत होगी। प्रगति, आज से मैं भी तुम्हारे साथ। ये तो मैंने पता ही था कि आप हमेशा सच का ही साइड लोगे। तेरे भैंसिया का भूत मारूं, कान खुजाओगे? लुगाइयां नहीं भगा सकते। अरे हुजूर, अरे मन्ने की करो, मैं तो आज तक अपनी लुगाई को ठीक से ना संभाल पाया, उसे ठीक से नहीं बोल पाया, तो फिर इन चंडियों को कैसे संभालूं हुजूर? तुम उस चंडे मैंने छाती पे काय के लिए पाल के रखे हैं? क्या पकड़ लो भाइयों को? करण, तुम यहीं बैठो। हालांकि ये तुम्हारा पहला सत्याग्रह है, लेकिन यहां रहकर तुम्हें सत्याग्रह की असली शक्ति का अंदाजा हो। मैं जरा इन लोगों से अंदर मिलकर आता हूं, ठीक है? हाँ भैया। गति, मुझे को क्या लाया? अरे, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, मैं सबको बांट देती हूँ। मन्ने, तो माफी कर दो हुकुम। इतनी जल्दी भी क्या है? हुकुम, तुम लोग डोडे का लाइसेंस लेकर अफीम का अवैध धंधा करते हो और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हो। नहीं नहीं हुकुम, हम तो अट्ठे बस मीठा रस बेचे हैं, बाकी सारे आराम झूठे हैं। चुप कर तू और अपनी झूठी रामायण मुझे सुनाना बंद कर। तेरे अवैध धंधे के पक्के सबूत है मेरे पास। आपके राज में धंधा बंद करने की नौबत आ गई है। अरे प्रधान, तू डरता बहुत है, खुल के बता के बात है। गजोदर भाई साहब, ये छोरी प्रगति ने फिर नया बवाल खड़ा किया। ये बच्चे और औरतों के साथ मिलके मारे डोडे के अड्डे पर धरना दिए।
और अपनी झूठी रामायण मुझे सुनाना बंद कर। तेरे अवैध धंधे के पक्के सबूत है मेरे पास। बोल अपने मालिक को कि इस धंधे पर ताला लगा दे, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम सब लोगों को कोर्ट में घसीटूंगा और जेल की काल कोठरी के पीछे इतना लंबा बंद करवाऊंगा कि अपना नाम तक भूल जाओगे। हुकुम, हुकुम, अठे हम तो रोजी रोटी वास्ते काम कर रहे हैं, असली मालिक तो प्रधान जी है। आपसे तो प्रधान जी ऐसे घबराए हैं कि ऊपर का पसीना नीचे से निकले है। ये आंदोलन धरने भरने की क्या जरूरत थी, बस आप एक फोन घुमाते प्रधान जी धंधा बंद करा देते। मुझे ये मत बता कि मुझे क्या करना चाहिए था, तू ये सोच कि तुझे अब क्या करना है। बोल अपने मालिक उस प्रधान को इस ठेके को बंद कर दे और जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म करवाए, तुम्हारी भलाई इसी में है, वरना तुम सब के सब सजा भुगतोगे, याद रखना। चल जा। हाँ हुकुम, जाता हूँ प्रधान जी को खबर करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है जो हमारे सामने चू तक कर सके, और ये 2 फुट की छोरी हमारे धंधे का चक्का जाम करने का सोचे। ये छोरी का तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये छोरी हमारे धंधे के साथ साथ हमारी प्रधानी पर भी खतरा बन जाएगी। सुन ले प्रधान, ये इस बार इस मोर्चे पर हार गया तो जनता के हाथ पांव जोड़ने के बाद भी वोट ना मिलेंगे। ये जनता को तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना ही पड़ेगा। मैं क्या करूं, ये बड़े हुकुम तो किनारे हो लिए। हुकुम, 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 हुकुम। एक कल्लू कालिए, तू जिंदगी में अच्छी खबर नहीं सुना सकता। अब बोल, जे रणवीर अपने ठेके के अंदर घुसाया था, मन ने धमकाते हुए बोला कि वो अपने ठेके के खिलाफ उसके पास सबूत है। आपको कोर्ट में खींचेगा और जेल में चक्की पिसवाएगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही। नाना हुकुम, जेल से तो मन ने भी बहुत डर लगा है। उसकी तो ऐसी की तैसी, उसको कब का पीस दिया होता ये बड़े हुकुम ने अपनी टांग ना अड़ाई होती। अल्ले को कैसे शांत करना है वो मैं देख लूंगा। जादू अब यहां ग्रैंड लगाने के लिए खड़ा है, दिमाग ये बात तो बिगड़ती जा रही है। ये सच में कुछ ना किया तो ये रणबीर हमें फंसा कर ही दम लेगा। गजोदर भाई साहब को फोन करना पड़ेगा, कोई कुछ कर सकते हैं। बोल प्रधान। गणी कम्मा गजोदर भाई साहब। अम्बा गणी, बोल क्या खबर है भाई साहब? बड़ी गड़बड़ खबर है, आपके राज में धंधा बंद करने की नौबत आ गई है। अरे प्रधान, तू डरता बहुत है, खुल के बता क्या बात है। गजोदर भाई साहब, ये छोरी प्रगति ने फिर नया बवाल खड़ा किया है। ये बच्चे और औरतों के साथ मिलके मारे डोडे के अड्डे पर धरना दिए। ये छोरी बोले हैं कि नशे का धंधा बंद करो, और धंधा बंद होने के बाद ही उठेगी। भाई साहब, रणवीर उसका साथ दे रहा है, बोले हैं कि उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है।
भाई साहब वो हम सबको जेल भिजवा देगा। ये तो बड़ी अच्छी खबर है प्रधान, ये सारे लोग वही है ना अभी? हाँ हाँ हुकुम, सबके साथ बैठे हैं। तो एक काम कर, इसी ट्रक के नीचे दबा के मार दे सारों को। हाँ तो तू वहीं रह, उन लोगों के क्रियाक्रम की तैयारी कर, मैं अभी आ रहा हूँ। बोंदे ये सारे लोग वही है ना अभी? हाँ हाँ हुकुम, सबके साथ बैठे हैं। तो एक काम कर, इसी ट्रक के नीचे दबा के मार दे सारों को, और उसके बाद ट्रक का ब्रेक फेल कर देना और कह देना कि हादसे में मौत हो गई सारों की, समझाना? हाँ हाँ हुकुम, मैंने भी यही उपाय सूझे। जब तक जे रणवीर और जे छोरी का पक्का इलाज ना होगा ना, जब तक वे शांत ना बैठने वाले हैं और ना हमको बैठन देवेंगे। हाँ तो तू वहीं रह, उन लोगों के क्रियाक्रम की तैयारी कर, मैं अभी आ रहा हूँ। बोंदे तेरे प्रधान घड़ी खम्मा हुकुम साहब, सारी मारी बात हुई थी ना? हाँ तो कहीं नहीं सुनी मारी बात, बोल थोड़ा शांति से कर ले, राई का पहाड़ काय बनाया तो? हुकुम साहब मारी बात तो सुनो जी। हाँ सबसे पहले उस आंदोलन को संभाल। जी 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 हुकुम साहब। हमारे जितने भी अड्डे हैं ना, बंद करके आराम से घर पे बैठ जा, और इन लोगों को जितना रोकेगा ना उतना ही आगे बढ़ेंगे। हमारे को कोई खून खराबा नहीं चाहिए, ठीक है? ठेका आपका है? हाँ मेरा ही है वो ठेका। आपके ठेके पर डोडे के साथ अफीम बेची जाती है, इसका मतलब है कि आप गैर कानूनी काम करते हैं और वो अवैध ठेका आपका है। ये सब बकवास है, ये बिल्कुल नहीं। आप लोग एक बात की चार बात खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठेका मेरा जरूर है, लेकिन उसमें गैर कानूनी कुछ भी नहीं है, उसका मेरे पास लाइसेंस है, दिखाता हूँ आप लोग को। है नहीं, बाद में दिखाता हूँ। लाइसेंस तो आपके पास डोडे का है, पर आपके ठेके पर अफीम बिकती है।